मैं कई नॉन इंजीनियर्स को फोन कर लेता हूँ. इनफैक्ट आज तो इतना बड़ा दिन है, टुडे इज द डे व्हेन पीपल फ्रॉम कैट किंग फैमिली हैव स्टार्टेड गोइंग टू द बिजनेस स्कूल्स. तो क्या होता है, मैं बस यूट्यूब को, यूट्यूब शुड सेंड मी लाइव, एक बार यूट्यूब मेरे को लाइव भेज दे और आज उनके साथ सेशन दे रहे हैं कि अंदर जाके भी क्या करना है. तो ये जर्नी बड़ी लंबी है और ये वीडियो सब लोगों के लिए जो लोग क्वांट से डरते हैं, जिनको लगता है मेरा क्वांट नहीं होने वाला है. मैं सर वो भी सुन लेना जो बैंक पीयू की तैयारी कर रहे हो या बैठ के भी कैट की तैयारी कर रहे हो. मैं आपको डे बाय डे शेड्यूल बताऊंगा कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी उन्हें बुक्स आपको खुद से बनानी है. मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने 40 डेज चैलेंज बताऊंगा मैं आपको जो घर से बैठ के कर सकते हो, ये अगर आपने एंड तक सुन लिया मजा आएगा. ठीक है, बस एक काम करो, स्ट्रीम को लाइक ठोक दो और मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा. ये एक्टिविटी क्या है कि इस वीडियो के नीचे रोज एक क्वेश्चन भी आया करेगा और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे. मैं दो अपडेट दे रहा हूं, एक तो इस वीडियो के नीचे बनकर किया करेंगे, सेकंडली कम्युनिटी सेक्शन के अंदर बहुत सारे क्विजेज आ रहे हैं जहां पे लेवल 1 के क्वेश्चन क्या होता है. तो आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ठोक लो, आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पोस्ट आया करेंगे क्वेश्चन और नीचे हैशटैग लिखा करेगा यार ये बैंक पीयू का सवाल है, यार ये एनमैट का सवाल है. प्राइमरली हम कैट के सवाल करेंगे पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी ईजी रहेगा, बस उसका उसका ऑब्जेक्टिव है कि दिमाग चलता रहे. ठीक है भाई, शुरू करते हैं. शुड वी गेट द पार्टी स्टार्टेड? आई थिंक आई एम लाइव. ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. हाय नरुटू, क्या हाल चाल है? अभिषेक, गुड सीइंग यू मैन. हाय मुकुल, वेलकम वेलकम, क्या हाल चाल है? अभिषेक, हाय नन्या, गुड सीइंग ऑल ऑफ यू गाइस. हाय सर्वेश, हाय अंकन. देखो भाई, आज का टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी. स्ट्रीम को लाइक ठोक दो और हमारा टारगेट है कि भाई अपने को करना है 500K बाय 15 अगस्त. ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, तो तुम्हारा साथ बनाना चाहिए और बहुत सारे लोग अभी कैट किंग फैमिली से आईएम्स के अंदर जा रहे हैं. क्विक अपडेट, आज मेरा एक सेशन हुआ, मैं आपको उसका अपडेट बता दूं. ये आज लोग आए थे, आई एम बैंगलोर, जो लोग जा रहे हैं, सो वी मेट देम ओवर अ जूम कॉल टुडे. तो तुम्हारे साथ भी होगा, इसको मैनिफेस्ट करो बैठ के. मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो माई यूट्यूब चैनल इज गोना बी वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू कि सोचो बैठ के सर हमें भी यहाँ पे आना है. इसके अंदर विकास बोल रहा था 99% डाल रहा है कि सर यू नो इट्स लवली बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, यू नो आपके साथ जूम कॉल हो रही है मेरा कैमरा ऑन करके. तो आप भी करो, मेहनत करो हाँ, और फिर अंदर जाए क्या करना है उनके साथ डिस्कशन हो रही है. ठीक है, शुरू करें बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. वीक इन क्वांट, हाउ मेनी इंजीनियर्स, हाउ मेनी नॉन इंजीनियर्स, फटाफट बता दो भाई पहले तो. ठीक है, शाश्वत क्या बोल, डू फॉलो कैट किंग डैशबोर्ड, कैट किंग एक्सपीरियंस सर योर गॉड. हे थैंक्स मैन, थैंक्स. कौन से कॉलेज जा रहा है यार, क्या बात है. रितेश, गुड सीइंग यू मैन, आपको मिस कर रहे हैं वर्बल मंडे. अरे क्या बात है, क्या बात है. ठीक है, शुरू करें. कन्वर्टेड आई एम अहमदाबाद लास्ट ईयर, कन्वर्टेड क्या बोल रहे, 99.36% है, लास्ट ईयर वॉज 72%, ऑल थैंक्स टू कैट किंग LOD 1 LOD 2. अरे मेरी जान, एनोलॉजी, गॉड ब्लेस यू मैन, क्या बात है. कहाँ ज्वाइन, कहाँ करा, तेरा ओरिजिनल नाम तो लिख यार. ठीक है भाई, अच्छा एडमिन यहाँ पे एक वो लगा दो यार, इंजीनियर है कि नॉन इंजीनियर. देखो मेरे ना सेशन होते हैं, मैं यूट्यूब वीडियो नहीं कर रहा हूँ बैठ के, मैं यूट्यूब लाइव कर रहा हूँ. इट्स अ क्लास. जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके ठोके हुए, मेरा प्रॉमिस है कैट होना हो, आई एम गोना मेक यू स्मार्टर इंडिविजुअल, इट्स गोना बी थेरेप्यूटिक. ये तुम्हारा इलाज करके जाएगा, हाँ मार्क माई वर्ड्स. ठीक है, और 3-4 महीने के अंदर तुम लोग चैंपियन बनोगे. चलो भाई शुरू करें भाई. नॉन इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, एडमिन यहाँ पे पोल भी करवा दो. चलो भाई लेट्स गो, शुरू करें सेशन अभी. हाँ, स्ट्रीम को लाइक ठोक दो, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग. ठीक है, जीरो इन मैथ्स, क्या जीरो इन मैथ्स बच्चा आईएम वाईएम जा सकता है नहीं जा सकता? एक मिनट के लिए ना वो सब बातें बात की. मैं 1500 बार बता चुका हूँ, अगर आपको गूगल, फेसबुक, किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर जाना है अगर आपको, हाँ किसी भी, आज मैं नारसी मुंजी के डायरेक्टर साहब को मिल के आया हूँ, बहुत अमेजिंग इंसान है. तो मैं सर से ही बात कर रहा था, सर वॉज डिस्कसिंग अबाउट इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स एज वेल. दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारे इंसान है. आई डू अ लिंक्डइन पोस्ट विद हिम, अमेजिंग गाय, या अमेजिंग गाय. दिस गाय इज नारसी मुंजी डायरेक्टर. दिस इज टुडे एट यस्टरडे बोल रहे हैं अभी 5:50 PM बिकॉज अगला दिन चढ़ चुका है. आई एम कैलकटा नियरली 17 ईयर्स एंड नाउ इज एन एम स्टेट. बहुत अमेजिंग इंसान. एंड वी डिस्कसिंग अबाउट नॉन इंजीनियर्स. मैंने उनको एक बात बताई, सर नॉन इंजीनियर्स को मैथ्स ना उसने छोड़ दिया होता है, हाँ 10वीं के बाद, कई लोगों ने 12वीं के बाद, तो कैट में आके फिर मैथ्स आना है. और दूसरा आगे जाके जब आपको कंपनीज के अंदर जॉब लेनी है यार, तो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, सिटी बैंक, JP Morgan, नमूरा, क्या होने वाला है, मैथ्स का टेस्ट लेने वाला है तुम्हारा. उसका नाम है एप्टीट्यूड. तो पहली लर्निंग तो ये है कि जिनका जो भी क्वांट बुरा है, क्वांट को एम्ब्रेस कर लो. मैं आपको एक 40 डेज चैलेंज बताऊंगा, एज आई सेड इस वीडियो के नीचे भी अपन रोज एक क्वेश्चन डाला करेंगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए जब भी टाइम मिले बैठ के, और दिमाग के कबाड़ खोलते उसको फॉलो पक्का कर लेना. लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, क्वांट के अंदर 3 पार्ट होते हैं भाई. शुरू करें वीडियो, 200 लोग हो चुके हैं, 500 हो जाएंगे, स्ट्रीम को लाइक ठोक दो भाई. हाँ, और गिव अवे आने वाले 350K हो चुके हैं, अपने को करना है 500K. लेट्स गो. क्वांट्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं. नंबर 1 स्पीड मैथ्स, नंबर 2 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, उसको हम बोलते हैं LOD 1, उसको हम बोलते हैं LOD 2. मैं एक बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, क्योंकि उनके लिए जिनका 0 है, ये टॉपर जनता तुम्हारे लिए वाला सेशन नहीं है. जो लोग टॉपर जनता ऑलरेडी आईएम्स के अंदर जा रहे हो, तुम कुछ कमेंट करके इनको बता देना
क्योंकि तुम लोग तो निकल जाओगे अभी। हाँ, और ये मेरी बातें ऐसे हल्के में लेते हैं, तो एक कमेंट कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि मेरी बातें सुन ले यार, सुनते नहीं है। लेट्स गो, स्पीड मैच, वैदिक मैच, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज। जिंदगी के अंदर अगर तरक्की करनी है, अगर मैच समझना है, पहले यार आपको वैदिक मैच, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो आना ही चाहिए। वैदिक मैथ की कोई भी किताब पकड़ लो, यूट्यूब पे बैठ के कोई भी वीडियो सुन लो वैदिक मैथ का, वहां से करिए। वैदिक, ये मैं आपको बताऊंगा कौन सी कौन सी चीजें याद करनी, किताबें बतानी है। हाँ, वैदिक मैथ, वैदिक मैथ होता है हाउ यू कैन डू थिंग्स फास्टर। अपने को बैठ के सवाल नहीं, सर कैट में तो अभी कैलकुलेटर मिलता है, बैंक पे में पता नहीं, आई थिंक मिलता नहीं है, पर यार कैलकुलेटर तो फास्ट स्पीड की, अरे फास्ट स्पीड नहीं है, इट्स अबाउट एफिनिटी टुवर्ड्स सब्जेक्ट। नंबर वन ये काम करेंगे। नंबर टू, वैदिक मैथ्स परसेंटेज एवरेज, एलओडी वन टॉपिक वाइज, एलओडी टू टॉपिक प्लस मॉक टेस्ट। आप लोगों की तैयारी करते करते पहला एक काम करेंगे, हाँ एक काम करेंगे, पेज लेके सुंदर सुंदर लिख लीजिए, टेबल्स 1 से लेके 20, स्क्वेयर्स 1 से लेके 20, क्यूब्स 1 से लेके 30। ये चीज़ें बचपन से बोली जा रही, करना किसी ने नहीं, तुम करो मेरी जान, तुम करो बैठ के अच्छे से नोट्स ले लो इसके, प्लीज़ आपको हेल्पफुल होगा। हाँ, ये दोबारा नहीं करूँगा मैं, जीरो इन क्वांट। टेबल्स 1 to 20, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, एक्सेट्रा, क्यूब्स 1 cube 2, ये हेल्पफुल होगा, ऑफकोर्स हेल्पफुल होगा इन द लॉन्गर रन, बिकॉज हमें वो क्वेश्चन से पेपर के अंदर आएंगे। बाकी बच्चा बैठ के सोच रहा है यार 6 square की होंगे, तो अनु पता है 6 square की होंगे। हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, सर ऑल द जीरो इन मैथ्स, वर्क हार्ड इन जॉइनिंग कोई गॉड नेक्स्ट मंथ, क्लियर बेसिक्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरे रायन थैंक यू सो मच मैन, गॉड ब्लेस यू। देखो ये सुनते जाओ, बड़े बड़े लोग आए, थैंक्स मैन। क्यूब्स, इन सब चीज़ों से प्यार करना, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहले बैठ के ये चीज़ें करना शुरू करना है। आगे चलते हैं, फिक्स दिस चार्ट, ये तुम्हारे सामने 3 चार्ट लगे होने चाहिए, एक परसेंटेजेस का चार्ट भी लगा लो यार। हाँ बताते हो, सब क्वेश्चन आ रहे काफी देर, अंकित रुक जाओ, स्पैम मत करो, तुम्हारे क्यू एंड ए करूंगा, तुम सुन लो 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट वन, परसेंटेजेस 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.3%, 1/4 25%। सर इसका क्या फायदा है बेटा, 1/6 is 16.66%, है ना। अगर पेपर में आपको दिख रहा है कि यार 17% ऑफ 36, बॉल पार्क दिमाग में आ जाएगा, अरे 17% 16.67 1/6 होता है, तो 1/6 of 36 is 6। समझ आया नहीं समझ आया, दोबारा 1/6 16.66, पेपर में पूछा 17% of 36 कितना होता है, बेसिक बात है ये, है ना भाई, तो बॉल पार्क अप्रोक्सीमेटली 17% 1/6 का, तो 6 के आसपास होगा। इसमें करने में मजा आना शुरू हो जाएगा, ये पहली चीज है। एक हफ्ता जब भी तुम कैट वैट बैंकों की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीरो ये लेके शुरू करेंगे, आगे बढ़ते भाई, लेवल वन, सर ये तो होना शुरू हो गया है, हाँ ये तो होना शुरू हो गया, आगे देखते हैं। लेवल वन, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैं 2-3 मिस्टेक आपको बताऊंगा, लोग किताबें नहीं बनाते हैं, अपना सिलेबस ही नहीं कर रहे भाई, अपना सिलेबस ही नहीं पता उनको, कोई भी एग्जाम देना है तो आप ये काम करो, पहले तो सिलेबस लिख लो। हाय सर, होप यू रिमेंबर मी, ऋषभ फ्रॉम एनआईटी सूरत कल, हे ऋषभ गुड सीइंग यू मैन, क्या बात है। अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मैंने पिछले 2 साल के कैट के पेपर निकाल के आपको दिखा दिए, ये देखिए कैट 2022 के अंदर अर्थमेटिक कितना क्वेश्चन आया था, 8 सवाल, एलजेब्रा 8 सवाल, ज्योमेट्री 3 सवाल, नंबर्स 1 सवाल, मॉडर्न मैथ 2 सवाल। ये लिख लो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी ढूंढने में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। कैट इतना स्टैंडर्ड एग्जाम है ना, कोई एग्जाम ऐसा आज तक नहीं हुआ है जहाँ पे अर्थमेटिक कम आए। देखो जरा ध्यान से, कैट 2021 9 to 10 क्वेश्चन, एल्जेब्रा 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, नंबर्स के 2 सवाल और मॉडर्न मैथ्स के 3 सवाल। हे हर्षित गुड सीइंग यू, गॉड ब्लेस यू मैन, गॉड ब्लेस यू, क्या हाल चाल भाई। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, टोटल मिला के 22 क्वेश्चन आने हैं। एक चीज लोगों को पता नहीं है, जब वो पेपर देना शुरू करते हैं, आप बैठ के पहले सेक्शनल टेस्ट तो साइड में निकालो। वो कैसे निकालने हैं, प्रिपरेशन प्लान। सपोज करो आपने कोई भी किताब उठाई, वो किताब अरुण शर्मा पकड़ रहे हो, हाँ वो पढ़नी शुरू करी, वो बैठ के पहले सेक्शनल टेस्ट दो, 4 बैठ के सेक्शनल टेस्ट दो, 1, 2, 3, 4, हर हफ्ते जितना पढ़ाई किया सेक्शनल टेस्ट। सर सेक्शनल टेस्ट में मेरे को तो कुछ आएगा ही नहीं, बता रहा हूँ आपको सेक्शनल टेस्ट को डील कैसे करना है। सेक्शनल टेस्ट मतलब पूरा पेपर का 40 मिनट, जो लोग कैट दे रहे हो भाई, हाँ पूरा पेपर 40 मिनट। आगे उसके बाद 4 दे दिए, महीने के एंड के अंदर एक जगह मॉक दे दो, उस मॉक के अंदर तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इट्स ओके। पर आपने 4 सेक्शन टेस्ट दिए, हर एक के अंदर आपके पास 22 सवाल थे यार, तुमने 88 क्वेश्चन किए कैट लेवल के, है ना, मॉक टेस्ट कोई भी मॉक है, प्रेफरेबली कैट किंग जनता कौन है, जिस टाइप इन सीखे सीखे सीखे, यू विल ओनली गिव कैट किंग सेक्शन टेस्ट और कोई नहीं देने, बाकी जो कैट किंग फैमिली के नहीं हो तो आप जो मर्जी दे सकते हो। मॉक्स 1 मंथ एंड में, सेक्शन टेस्ट 4 अगले महीने में, फिर एंड में मॉक टेस्ट, फिर सेक्शन टेस्ट 4, फिर मॉक टेस्ट। इसमें करना क्या है, जितना आता है उगल के आना है, जितना आता है उगल के आना है, वो उगल के कैसे आना है ये देखो।
ये आपको काफी मोटिवेट करेगा जीरो. सब लोग अरे क्या बात है, कैटकिंग 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 क्या बात है, प्रदीप गुड सिंह मैन, ठीक है बहुत बढ़िया, ओके गुड, ओके गुड. ये देखो यार, ये आपका पहला मॉक है, मॉक नंबर वन आपके सामने आया, या सेक्शन टेस्ट है, उसको कैसे देना है देखते हैं. स्टेप नंबर वन, 40 मिनट के अंदर सिर्फ दो सवाल सॉल्व करिए, 20 मिनट प्लस 20 मिनट, सिर्फ दो सवाल. सर दो सवाल में क्या होगा, सर दो सवाल में क्या होगा, दो सवाल में तेरा कुछ नहीं होगा, बट तेरा समवेयर ऑन 60% इन कैट आ जाएगा. सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, देखते जाओ. स्टेप नंबर टू, सिर्फ बैठ के 10-10 मिनट में एक एक सवाल करेंगे. व्हाट, 10-10 मिनट में एक सवाल? हाँ, सिर्फ चार क्वेश्चन. इफ यू सॉल्व चार क्वेश्चन इन क्वांट, यू आर टचिंग अराउंड 70-75% इन कैट. यू नो व्हाट, यू बीटन डाउन ब्लडी 1.5 लाख पीपल. हाँ, 2 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोग तो चार सवाल नहीं कर पाते. तो तू एक काम कर, बैठ के सिर्फ 10 मिनट में एक सवाल, 10 मिनट में एक सवाल. ये नहीं होगा पहले मॉक के अंदर, आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर थ्री, 5 मिनट से एक क्वेश्चन, फिर 5 मिनट में एक क्वेश्चन, फिर 5 मिनट में, ऐसे करके 8 क्वेश्चन तक आपको जाना जरूरी है. आर यू गाइस विद मी, यस और नो? तो ये करना तो शुरू करो यार. सर दो ही सवाल ठीक हो रहे हैं, तो 20 मिनट तो बैठ तो सही, 40 मिनट बैठ के ऐसा करके 10 सेक्शन टेस्ट दो, देखते नंबर कैसे नहीं आते. ये एक मास्टर प्लान है. सी आई सीन, आज हमारा आई एम बैंगलोर का सेशन हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिखाया. ऋषभ रुक जा भाई, आज मैंने ये बड़े बड़े लोग आए, ऋषभ कन्फ्यूज बिटवीन आई एम उदयपुर, रांची, त्रिची, अरे मेरी जान क्या बात है. गुड गुड, ऋषभ पहले आके गाइड कर इनको, कमेंट कर इनको. हाँ, ये अगले साल के बच्चों के लिए सेशन है, बताऊंगा तेरे को, एंड में बताता हूँ, ठीक है. गाइड कर इनको और बता मेरी बात सुन ले. बड़े बड़े लोग आए हुए, देखो भगवान करे तुम्हारी भी कन्फ्यूजन ऐसी हो ना अगले साल कि सर कहाँ जाएं, उदयपुर भी है, रायपुर भी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया फिर भी कंफ्यूज. ठीक है भाई, ये समझ आ गया सबको. आगे बढ़ते हैं, लास्ट 3 स्लाइड्स ऑफ द डे. अच्छा, बुक्स कौन सी बनानी है. तुम्हारा क्वांट वीक है तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा. जो लोग तो नॉन इंजीनियर हो, अगर इंजीनियर को ठोकने का है, ठीक है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, अगर इंजीनियर को ठोकने का है, क्वांट में ठोकना थोड़ा मुश्किल रहेगा. जो NIT IIT के, वो ना पढ़ पढ़ के सुबह 4 बजे उठ उठ के उसने बड़े सवाल सॉल्व किए हैं, उसको तुम वर्बल में किल करो और क्वांट के अंदर पास हो जाओ. आप बैठ के 4 किताबें बनाइए, इसके बाद मैं आपको नए बैच के बारे में बताऊंगा. फॉर्मूला बुक्स, फॉर्मूला बुक लिखो. ज्योमेट्री इज अ टॉपिक जिसके फ्री के नंबर हैं. अर्थमेटिक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फ्री के नंबर है. क्वेश्चन देखो, आंसर मार्क करो. डोंट ट्रस्ट मी, ओपन अप एनी कैट पेपर, तुम 4 सवाल तो निकाल पाओगे जो तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे. सारा कैट पेपर ऐसा नहीं होने वाला है, सिर्फ 4 सवाल, मतलब 75% इन कैट. 75% का मतलब पता है, आपके आगे अराउंड 25% लोग हैं. 25% ऑफ 2 लाख कितने हो गए, 50,000 लोग हैं. आगे देखते हैं. फिर ट्रिकी क्वेश्चन लिखो. आई न्यू वन फ्रेंड, तो वॉट शी यूज टू डू इज, उसका बहुत ही क्वांट बड़ा स्ट्रांग था. वो बैठ बैठ के एक एक सवाल लिखती थी. उसने बैठ के 50-50 कंसेप्ट लिख लिए थे. जिन लोगों का क्वांट वीक है, वो बैठ के आप 50-50 तो लिखो भैया, है ना, 50 तो लिखो बैठ के. आगे देखते हैं. फिर फॉलो एनी मटेरियल, पिक अप एनी थिंग, प्लीज एक्सप्लेन LOD टू मी, है ना भाई. अगर हम क्या लिख रहे हैं, ट्रॉमा क्या लिख रहा है भाई, नाम चेंज करो, तेरा नाम ही ट्रॉमा है भाई, ऐसे गलत नाम मत लिखा करो अपने. ठीक है भाई, थैंक यू. दिस गाइज विल हेल्प यू इन स्टेमिना एंड फियर क्वेश्चन. स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंसी की. थैंक यू ऋषभ, गॉड ब्लेस यू मैन. ये देखो बड़े बड़े लोग आए हैं ऋषभ, थैंक यू सो मच. और अभी मैं तेरे को आंसर भी करता हूँ, ये नीचे भी कमेंट करना. अच्छा था जो उदयपुर जा रहा है यार. उदयपुर ओवरऑल इज डूइंग फैंटेबुलसली वेल. पर मेरी रायपुर के बच्चों से बात करी, रायपुर के बच्चे बोल रहे हैं कि यार ये सर उदयपुर को इतने भाव को मिल रहे हैं, हमें भी नहीं पता. प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग इज मोर लेस सिमिलर. त्रिची के जो नए डायरेक्टर साहब, आई मेट हिम ओवर दिस वीकेंड, मैं तेरी कन्फ्यूजन को और कन्फ्यूज कर रहा हूँ. त्रिची के पवन सिंह सर है, बहुत अमेजिंग इंसान है. ही वॉज एक्स डायरेक्टर ऑफ MDA गुड़गांव. तो एक बार डायरेक्टर्स देख ले कौन कौन कितनी थी. ही वॉज 16 ईयर्स इफ आई एम नॉट, आई एम इंदौर. और त्रिची सबसे पहले छक्के मार रहा था. और जो सक्सेस त्रिची ने अभी करी है वो उदयपुर कर रहा है लास्ट 2 साल से. पर ये देख ले, त्रिची थोड़ा फाइनेंस फोकस्ड है, उदयपुर थोड़ा मार्केटिंग कंसल्टिंग फोकस्ड हो रहा है. और दोनों में देख ले तेरी ड्रीम कंपनी कहाँ पे आ रही है. फिर रब दनाले के अंदर शुरू कर. त्रिची में गर्मी बढ़ी है भाई. हाँ, गर्मी बढ़ी है. ठीक है, आगे देते हैं भाई. ओके, आगे चलते हैं. फॉर्मूला बुक्स, ट्रिकी क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड फॉलो एनी मटीरियल. लास्ट स्लाइड फॉर द डे. आप एक चैलेंज लेंगे घर पे, ठीक है, आप चैलेंज लेंगे घर पे. सर ओ क्या बात है, ये क्या कमेंट आ रहा है. गाइस प्लीज लाइफ में सोच समझ के डिसीजन लेना, हार्ड भी है कैट और बहुत पैसा भी लगेगा. बहुत बढ़िया सवाल है, थैंक यू सो मच यार. ऐसे लोगों से दूर रहने का. देख भाई, तेरा नहीं हुआ तो लोगों को डीमोटिवेट क्यों कर रहा है ना भाई. तो ये मैं इसको गाली नहीं देना चाहता, बट बेटा अगर आपका नहीं हुआ है, लेट देम ब्लडी प्लंज, लेट देम ब्लडी डाई, एंड लेट द IIM ब्लडी रिजेक्ट देम.
समझ आ रहा है? तू कौन होता है रिजेक्ट करने वाला मेरी जान? तो एक दूसरे को डिमोटिवेट मत करो। आपको क्या करना है, 200,000 लोग कैट दे रहे हैं, जो पहले 40,000 लोग, पहले 40,000 लोग 80% के ऊपर, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। SC ST OBC तुम्हारा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम खुद हैरान रह जाओगे क्या हो रहा है मेरे साथ, ट्रस्ट मी, साइन बाय ब्लड। जनरल कैटेगरी 90% के ऊपर आपको जो अच्छा और लोएस्ट कॉलेज मिलेगा वो होगा वेलिंकर, IIT गाजियाबाद, 4 बिजनेस स्कूल। समझ आ रही है? तो पढ़ते जाओ भाई, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 40 डेज चैलेंज, डू इट एट होम। इफ यू गाइज आर नॉट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, टेक दिस चैलेंज एट होम एंड डू दैट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, थोड़ा सा होल्ड करो, मैं सबके आंसर करूंगा। लेट्स गो। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, नंबर ज्योमेट्री, तो पढ़ तो सही। हाँ, कैसे करेंगे तुम्हें पढ़ना? कैसे? सिर्फ दिन के 10 सवाल, मंडे को बैठ के 10 सवाल, ट्यूजडे को बैठ के 10 सवाल, वेंसडे को बैठ के 10 सवाल, बस। सर फ्राइडे तक 50 सवाल हो गए, पता तो कितना स्टड फील करेगा जब तू 50 सवाल सॉल्व करेगा। इतना करो एक हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते अलजेब्रा उठाओ। सर पूरा अरिथमेटिक खत्म नहीं हुआ, 50 ही हुए। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। अलजेब्रा 50 सवाल, मॉडर्न मैथ्स 50 सवाल, ऐसे करके चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। अरिथमेटिक, अलजेब्रा इन 40 डेज यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, नंबर वन। नंबर टू, सर इससे कुछ नहीं हो रहा मेरा 50-50 सवाल से। अरे तू बैठ के पहले 250 सवाल तो सॉल्व कर, नंबर वन। और टाइम है तुम्हारे पास, ये तो दिन के आधे पौने घंटे में हो जाएगा। और टाइम है, प्रिपरेशन हार्ड करना चाहते हो, दिन के 20 सवाल सॉल्व करो। अरिथमेटिक चल रहा है, टाइम टू डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सड रिलेशन, ये सेम कंसेप्ट को हम कैटकिंग के अंदर भी ऐसे पढ़ाते हैं। ये चैलेंज आप घर पे लो पहले तो, बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो पहले तो ये ले लो। जिनको उसके बाद बेड़ा पार नहीं हो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे एक मिनट ये बात बताने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा टॉपर्स क्या करते हैं जो नॉन इंजीनियर छक्के मार के हैं इस बार। हाँ, मैं आजकल इंटरव्यू ले रहा हूँ, इतने सारे नॉन इंजीनियर हैं, 8 बैकग्राउंड में 99 ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ना 2 तरह ही कोर्सेज हैं। कौन कौन यहाँ पे टर्बो इंटेंसिव, फटाफट बताओ मुझे पहले। एक है टर्बो, एक है इंटेंसिव। दोनों तरह के ना, हमने जिनका वीक होता है ना क्वांट, उनके लिए एक अच्छी चीज़ कर ली है। ये देखो, स्लो लर्नर्स बैच। स्लो लर्नर हूँ मैं सर, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरे को 90% दिलाऊंगा, तू रोज पढ़ने वाला बन, रोज 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। स्लो लर्नर्स बैच नंबर वन। आगे, सर कन्वर्टेड हूँ, आई एम उदयपुर, गाइस ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे अंदर हंगर है तो कोचिंग क्या बात है, ये हुई ना बात, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव, करने वाले बनो भाई, पढ़ने वाले बनो। थैंक्स ऋषभ। आगे, स्लो लर्नर्स, नेक्स्ट वन टारगेट 99%, ये रोज पढ़ते हैं, ये भी रोज पढ़ते, पर इनको स्लो, 1+1 2 आराम से रोज, तू खुद डिसाइड कर, तेरे को 90% लेना, तेरे को 99% लेना। एक लास्ट बैच है NIT IIT रिपीटर्स बैच, ये आते हैं मंडे वेंसडे सैटरडे संडे। गुड थिंग इज स्लो से स्टार्ट करके, स्टार्ट करो यहाँ पे डेली टर्बो पे और फिर जाओ NIT IIT पे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंडे से, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। चले भैया, सो इन शॉर्ट, जिनका तो मैथ्स है वीक, दिल पे हाथ रख लो, जिंदगी में तरक्की करनी है मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, अंटिल ऑनली तुम आर्टिस्ट हो या पेंटर हो। हाँ, उसके अलावा तो मैच तैयार करना ही पड़ेगा, तो लग जाओ, रब दा नाल हो तो शुरू कर दो, थोड़ा पक्का बेड़ा पार होगा। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, हे कैट किंग, गाइड मी फॉर ABM, ओके, लविंग प्रीत सर एंड मोनिका मैम, अरे क्या बात है, गुड यार, ये भी स्लो लर्नर्स के अंदर पढ़ाते हैं। हे कैट किंग, अरे मेरा नाम सुमित है, पीपल डोंट नो मी, माय नेम इज सुमित, आई एम फ्रॉम SPGN बॉम्बे, स्पेंड सम टाइम एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आई एम ऑल्सो ड्रॉप आउट ऑफ ऑक्सफर्ड एंड आई एम अ CEO ऑफ कैट किंग, आई एम लाइव एवरी डे इन द नाइट एट 12, अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो एक वीडियो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और इस बार 2000+ बच्चे आर्म्स के अंदर जाएंगे फ्रॉम कैट किंग फैमिली और उनके रिजल्ट्स अभी वेरीफाई हो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किंग, माय क्वांट इज स्ट्रांग, 10th तक उर्दू से पढ़ाऊँ, वेरी गुड, फाड़ दो यार, गाइड मी फॉर ABM पढ़ो भाई, ABM के IIM अहमदाबाद बहुत बढ़िया। एम आई लेट फॉर कैट 2023, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ये कुछ मुझे बार बार आता है, सर क्या मैं लेट हो रहा हूँ, क्या मैं लेट हो रहा हूँ क्या यार? लेट तो कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में कि स्काई हैज फॉलन, क्लाउड्स हैव पार्टेड वेज, सनराइज आई है तेरे ऊपर और सब कुछ सही है और तू बोल रहे हाँ मैं अभी तैयारी शुरू करूंगा। जिंदगी में आप अब एकदम परफेक्ट टाइम पे कभी नहीं रहते, या थोड़ा आगे होते हो या जल्दी होते हो। When to start preparing for CAT? जब तुम्हारे अंदर से वादा है मेरे को तो करना ही करना है, आई रियली रियली वॉन्ट टू डू इट, मुझे करना ही करना है। BCOM BMS जनता, नौकरी है तुम्हारे पास, 15-20 हज़ार की नौकरी है, एक्सपीरियंस ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चुप करके रब दा नाल के कैट की तैयारी शुरू करो। SC ST OBC कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें, 92% पे लोग IIM लखनऊ जा रहे हैं, 93% पे IIM लखनऊ जा रहे हैं। हाँ सच्ची में ये समझ ही नहीं आएगी तुम्हें, तो उनके इतने सारे वीडियोस किए हुए और उनके उनके पोस्टर्स आते रहते कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, तुम बस पढ़ने वाले बनो यार। जनरल जनता, तू भी जनरल मैं भी जनरल, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना भाई? ओके ग्रेट। सर JEE सेकंड ड्रॉपर हूँ, NIT दुर्गापुर, बहुत बढ़िया, छोड़ दे भी JEE भाई, आगे हो गया तेरा, मूव ऑन हो गया, इतनी
स्पैम कर रहा है। जो लोग जेई वाले होते हैं ना, फेलियर जेई, ये 25 साल की उम्र तक जेई को ही लेकर रोते रहते, मैं भी उनमें से एक हूँ। छड़ दे यार जेई, एनआईटी दुर्गापुर पढ़ रहे हैं यार, तू की टेंशन है, दोबारा नहीं नाम लेना, मैं ड्रॉपर हूँ जेई ड्रॉप, बट हो गया जो हो गया, पास्ट इज पास, आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है भाई, डन है। ओके, क्या डॉनिस लॉस अनामिका, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ज्योमेट्री के ट्रिक्स प्लीज, ज्योमेट्री के ट्रिक्स अनु डैशबोर्ड पे, इफ यू आर जॉइनिंग द कैट किंग फैमिली, डैशबोर्ड बहुत अमेजिंग चीजें, ठीक है। ओके, एनी बैचेस फॉर आईपीएम, केशव यस, वी लॉन्च द आईपीएम 2024 बैच एज वेल, डेली क्लास होता है उसके अंदर। एनी आई एम सर्टिफिकेट गुड फॉर माई प्रोफाइल और इंटरव्यू, ऑफकोर्स एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज गुड फॉर श्योर, ठीक है। लास्ट थिंग फॉर द डे, क्वांट्स छोड़ना मत, क्वांट्स पढ़ते रहना। नीचे आपको एक क्विज आ रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करो और बाकी लोगों को भी हेल्प करो। जिनको क्वांट्स वीक करना है, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो और लाइक तो पक्का ठोको पहले, तो और नीचे क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करते रहो। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकना, आई एम गोना बी देयर लाइव, अगर दार लाइक हो गए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।